शिवम शिवम। नमस्कार, आप सबका हमारे चैनल श्रीमद होम रेमेडीज पर स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि ज्योतिषीय तरीके से या धार्मिक तरीके से कह लीजिए कि प्रतिकूल समय को अनुकूल कैसे बनाएं, और मतलब समय को अच्छा कैसे बनाएं। इन शॉर्ट आप कह लीजिए कि शनि को अनुकूल करने का सिद्ध उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं। देखिए, प्रतिकूल समय पाप कर्म के उदय से उत्पन्न होता है, तो ऐसी स्थिति में यदि व्यक्ति की जो धर्म निष्ठा हो, गहरी हो, तो व्यक्ति धर्म को बहुत अच्छे से धारण कर सकता है। प्रतिकूल समय में अपने स्थिरता बनाए रखने के लिए हमें अनुकूल समय में अभ्यास करना होगा। कैसे, हम बताएंगे आपको। और आप कोई भी स्पेशल प्रोडक्ट omja.com या shivago.com से प्राप्त कर सकते हैं, जेन्यून, ऑथेंटिक, लैब सर्टिफाइड और साथ में अभिमंत्रित भी, यदि आप चाहें तो। चलिए हम आपको बताते हैं। देखिए, प्रतिकूल ग्रहों को शांत करने के लिए तरह तरह के उपाय किए जाते हैं। आप सभी जानते हैं कि मनुष्य ही नहीं, पूरी पृथ्वी पर ग्रहों का व्यापक असर पड़ता है। प्रतिकूल ग्रह जीवन को तबाह कर देता है, तो इन्हें अनुकूल बनाकर अच्छा जीवन भी जिया जा सकता है। कहा जाता है कि शनि जिस पर प्रसन्न होते हैं, यानी कि जिसकी शनि ग्रह मजबूत स्थिति में होता है, तो रंग से राजा बन सकता है। शनि खराब हो तो राजा भी रंग हो जाता है। शनि के मजबूत होने से लोहे, मशीनरी, कारखाने से जुड़े बिजनेस में काफ़ी तरक्की होती है। क्या करना है? सबसे पहले तो खाली पेट नाश्ते से पूर्व काली मिर्च चबाकर गुड़ या बतासे से खाएं। दूसरा, भोजन करते समय नमक कम होने पर काला नमक तथा मिर्च कम होने पर काली मिर्च का प्रयोग करें, याद रखिए। और भोजन के उपरांत आप लौंग खाइए, बहुत अच्छा रहेगा। इससे कार्यों में सफलता प्राप्त होती है, सांसारिक समस्याओं से मुक्ति मिलती है। शनि को न्याय का प्रतीक माना जाता है। यदि शनि मजबूत है तो फिर आपके साथ अन्याय नहीं हो सकता। यदि आपकी शनि ग्रह कमजोर हैं, तो आपको कम से कम 19 शनिवार का व्रत रखें, अधिकतम 51 शनिवार व्रत रख सकते हैं। इससे शनिवार के दिन ही आपको करना रहेगा, ये इससे शनि मजबूत होता है। हालांकि छोटी छोटी जानकारियां भी मैं आपको बताऊंगा। और एक चीज हमेशा रखिए, विश्वास रखें, हर समस्या का यह समाधान है। जीवन में सुख के साथ दुख चलता है। जब तक मनुष्य जीवित है, तब तक समस्याएं साथ नहीं छोड़ती हैं। शनिवार और मंगलवार के दिन क्रोध न करें, भोजन करते समय मौन रहें, प्रत्येक शनिवार को सोते समय शरीर और नाखूनों पर तेल मस लें। मांस मछली मद तथा नशीली चीजों का सेवन तो आप बिल्कुल ना करें, वही अच्छा है। शनिवार के दिन काला कपड़ा पहने और ओम प्राम प्रेम प्रॉम सह शनि नमः मंत्र का जाप करें, 5 माला कीजिएगा, बहुत अच्छा रहेगा। इससे आप 11 या 19 माला भी कर सकते हैं। इससे शनि जो है वो मजबूत होते हैं। और पूजा पाठ, जप ध्यान, ये सब भी आप कर सकते हैं। पर यहाँ पे मैं पूजा पाठ और जप ध्यान की बात नहीं कर रहा हूँ, अपितु दैनिक जीवन के क्रियाकलाप, आदतें और स्वभाव में सुधार की सलाह दे रहा हूँ। इससे आप किसी भी ग्रह को प्रसन्न कर सकते हो। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ, जैसे घर में स्थित मंदिर पे लोग ध्यान नहीं देते, गंदा पड़ा रहता है। यदि घर का मंदिर गंदा रहेगा तो बृहस्पति क्रोधित होते हैं, तो कुंडली में अनुकूल हो तो भी पूरा फल नहीं देते हैं, और प्रतिकूल होने पर समस्या और बढ़ती है। इसी तरह खाना खाने के बाद घर में जूठे बर्तनों का ढेर लगाने से चंद्रमा और शनि नाराज होते हैं, तो प्रतिकूल फल देते हैं, आपको साफ सुथरा करके रखना पड़ेगा। घर की महिला जातक के साथ सहानुभूति और स्नेह बढ़ते हैं, क्योंकि जिस घर में गृह लक्ष्मी रोती है, उस घर से शनि के सुख शांति और समृद्धि रूठ जाती है। महिला जातक के माध्यम से शनि प्रधान व्यक्ति का भाग्य उदय होता है। गुड़ और चने की जो वस्तु है, उसे भोग लगाकर अधिक से अधिक लोगों में बांटना चाहिए। अभी हमेशा ध्यान रखिएगा कि बर्तन धोकर रखें, उन्हें कम से कम डाइनिंग रूम और किचन से बाहर रखा करें।
रसोई घर को गंदा रखने वाले को मंगल के नकारात्मक परिणाम का सामना करना पड़ता है। देर रात तक जागने वाले को चंद्रमा का शुभ फल कम मिलता है, उसके खर्च बढ़ते रहते हैं और वो तनाव में रहता है। उड़द की दाल के बड़े या उड़द की दाल चावल की खिचड़ी बांटनी चाहिए। प्रत्येक शनिवार को लोहे की कटोरी में तेल भरकर अपना चेहरा देखकर आप इसे दान कर दीजिए, और शनि मंदिर में आप चढ़ाएंगे या दान करेंगे दोनों ही चलेगा। प्रत्येक शनि अमावस्या को अपने वजन का दशांश सरसों के तेल का अभिषेक करना चाहिए। हालांकि पॉसिबल नहीं है हर किसी के लिए, फिर भी अभिषेक तो कीजिए। काले घोड़े के नाल अथवा नाव की बनी छल्ला जो होते हैं उसे अभिमंत्रित करके धारण करने से भी शनि के जो कुप्रभाव हैं वो हटते हैं। शनिवार को एक पात्र में जल, दूध, चीनी, काला तिल और गंगा जल भरकर रखें। मंत्र जाप के बाद पश्चिम दिशा की ओर मुंह करके पीपल के जड़ को अर्पित कर दें। ऐसा करने से भी शनि ग्रह मजबूत होता है। शनिवार के दिन उड़द से बनी पंजीरी, पकौड़ी, चीला, बड़ा यदि सेवन करना चाहिए। सरसों के तेल में बने भोज्य पदार्थ खाना चाहिए, इससे भी शनि ग्रह आपका मजबूत होगा। जिस जातक के परिवार घर में रिश्तेदारी, पड़ोस में कन्या भ्रूण हत्या होती है, जातक प्रयास करके इसे रोके तो शनि महाराज उससे अत्यंत प्रसन्न होते हैं। कपूर को नारियल के तेल में डालकर सिर में लगाएं। भोजन में उड़द की दाल का अत्यधिक सेवन करें। झूठ, कपट, मक्कारी, धोखे से बचें। रहने के स्थान पर अंधेरा, सूनापन और खंडर की स्थिति बिल्कुल नहीं होने दें। शनिवार के दिन आप फल में केले का सेवन कर सकते हैं, ये भी मददगार साबित होगा। जब भी आपके घर कोई मेहमान आए तो उन्हें ठंडा और स्वच्छ पानी अवश्य पिलाएं। ऐसा करने से राहु ठीक रहता है और अनुकूल फल देता है। इसी तरह पैर घसीट कर चलने की आदत हो तो इसे जल्द से जल्द सुधार लें। ऐसे लोगों का भी राहु खराब हो जाता है। नित्य प्रातः उठकर घर में लगे पौधों को पानी देने से बुध, शुक्र, सूर्य और चंद्रमा ग्रह मजबूत होकर शुभ फल देते हैं। बाथरूम में पानी को बिखेरे हुए छोड़ने तथा गंदे कपड़े वहां रखने से चंद्रमा रुष्ट हो सकता है, तो ऐसे करने से चंद्रमा कभी शुभ फल नहीं देता। प्रतिकूल ग्रहों को शांत करने के लिए शांत और व्यवस्थित जीवन शैली अत्यंत लाभप्रद होता है। और शनि मंदिर में आप काले चने, कच्चा कोयला, काली हल्दी, तिल का तेल, काला कंबल, ये सब दान कीजिए। और शनि मंदिर में जाकर कम से कम परिक्रमा और दंडवत प्रणाम तो जरूर कीजिए। देखिए हम कितने ही पढ़ लिख जाएं पर ग्रहें हमारा पीछा करती है, आप मानिए इस बात को। 16 शनिवार सूर्यास्त के समय एक पानी वाला नारियल, 5 बादाम और कुछ दक्षिणा शनि मंदिर में चढ़ाएं। शनि मंदिर से शनि रक्षा कवच या काला धागा हाथ में बांध लेने के लिए मैं कहूँगा, वो भी बहुत आपको अच्छा फल देगा। शनि के शुभ फल प्राप्ति के लिए दक्षिण दिशा में सिरहाने करके आप सोइए, मतलब सर दक्षिण दिशा में होना चाहिए। पश्चिम दिशा में मुख कर सारे कार्य करें और अपने देवालय में शनि का आसन बनवा सकते हैं आप। स्थापित करने नहीं बोल रहे, आसन बनवाने के लिए बोल रहे हैं। और जिन लोगों का शनि कमजोर होता है उन लोगों को नीलम पहनना चाहिए, पर ज्योतिष से पूछने के बाद पहनिएगा, कुंडली दिखाने के बाद। इसके लिए आप किसी योग्य ज्योतिषाचार्य की मदद लें तो अच्छा रहेगा। यदि नीलम आपके लिए संभव नहीं है क्योंकि महंगा पत्थर होता है, तो आप शनि ग्रह के उपरांत जमुनिया, नीली, काला की लाजवर्त भी पहन सकते हैं, ये भी शनि ग्रह को मजबूत करेगा। प्रत्येक शनिवार को रात्रि में सोते समय आंखों में काजल या सुरमा लगाएं और शनिवार का काला कपड़ा अवश्य पहनिएगा, मैंने ऊपर भी आपको बताया है। और महिलाओं से अपने भाग्य उदय के लिए सहयोग, समर्थन और मार्गदर्शन प्राप्त करें तो प्रगति होगी। अपनों से बड़ी उम्र वाले व्यक्ति का सहयोग प्राप्त करें और अपने से छोटी जाति और निर्बल व्यक्ति की मदद करें। अत्यधिक क्रोध और अस्त व्यस्त जीवन भी नुकसानदेह है। कुछ लोग हर समय चीखते चिल्लाते और गुस्से में रहते हैं, उनका भी शनि खराब होता है।
शनि के खराब होने से जमीन जायदाद से जुड़े मसले में नुकसान होता है। इसके विपरीत शांत रहने वाले लोगों का प्रतिकूल शनि भी कम नुकसान करता है। कमरे के बिस्तर की चादर पर सिलवटें, इसका हमेशा फैला रहना, तकिए इधर उधर बिखरे रहने वाले को भी शनि और राहु परेशान करते हैं। जो लोग घर में घुसते ही अपने चप्पल जुराबे और कपड़े इधर फेंक देते हैं, उनके जीवन में शत्रुओं की संख्या बढ़ने लगती है। पराई स्त्री से संबंध नहीं रखें, अहंकार नहीं करें, गरीब और लाचार व्यक्ति की मदद करें, सफाई करने वालों से अच्छा व्यवहार करें, स्वयं सफाई साफ सफाई से रहें, इससे भी आपका शनि ग्रह मजबूत होता है। प्रतिमा अमावस्या आने से पूर्व अपने घर व व्यापार की सफाई और धुलाई अवश्य करें और तेल का दीपक जलाएं। शनि अमावस्या, शनि जयंती या शनिवार को बन पड़े तो शनि मंदिर में नंगे पैर जाएं। घर बनाते समय काली टॉयल, काला मार्बल या काले रंग की कुछ वस्तु प्रयोग में जरूर लाइए। शनि को मजबूत करने के लिए शनिदेव, हनुमान जी और भगवान शिव की आराधना करें। महामृत्युंजय मंत्र का जाप भी शनि की खराब स्थिति को ठीक करने में मददगार साबित होता है। और बुजुर्गों की सेवा और उनका आशीर्वाद अत्यंत लाभकारी होता है। विशेष रूप से इससे बृहस्पति प्रसन्न होते हैं और वे जातक को शुभ फल प्रदान करते हैं। तो धन्यवाद, आप सबका हमारे चैनल पर स्वागत है। आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।